और महाराष्ट्र में भी देखिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। इसी बीच शरद पवार ने बारामती सीट से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया है। बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में इसी सीट से सुप्रिया सुले सांसद है। साल 2009 से सुप्रिया सुले इस सीट से लगातार लोकसभा चुनाव जीत रही है। सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में सुनेत्रा पवार के यहां से चुनाव लड़ने पर सुप्रिया सुले की राहें मुश्किल हो सकती हैं। तो आइए अब आपको तीन तस्वीरों से बारामती की फैमिली फाइट समझाते हैं। देखिए अजित पवार के ऐलान के बाद शरद पवार ने कहा था कि वो भावनात्मक अपील नहीं करेंगे बल्कि सुप्रिया सुले के काम पर वोट मांगा जाएगा। बारामती सीट से लगातार तीन बार सांसद रही है सुप्रिया सुले। इससे पहले शरद पवार खुद भी यहां से सांसद थे लेकिन अब आमने सामने आएगा एक ही परिवार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है जहां उनका मुकाबला डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी से होगा। 1984 से ही ये सीट शरद पवार का गढ़ रही है। साल 1984 में पहली बार बारामती सीट से शरद पवार लोकसभा का चुनाव लड़े थे जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसके बाद शरद पवार की बारामती से जीत पक्की होती चली गई जहां से पवार ने 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में इलाके का प्रतिनिधित्व किया। सुप्रिया सुले भी इस सीट से 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि इस बार का मुकाबला कांटे का हो सकता है क्योंकि इस सीट से अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में यहां का मुकाबला भाभी और ननद के बीच दिलचस्पी वाला हो सकता है। शरद पवार ने कहा है कि चुनाव हमारे देश का भविष्य तय करेगा। मौजूदा हालात में अब बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों के लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच देखिए महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार के साथ चर्चा पर सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात तक एनसीपी नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ बैठक की थी जो बेनतीजा रही। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी अभी सीटें तय नहीं हो पाई हैं।